अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाए, सच्चाई को अपना घर बनाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए, खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें, यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं, तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहते हैं। आज हम जो करते हैं जीवन में, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरा इसकी शुरुआत भी ना करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। चाहे आप जितना पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। इस अंधी दुनिया में मैं अमृत का नगाड़ा बजा रहा हूं। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है। वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई को देखता है, तो वह दुख में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं।
विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही तरह की गलतियां कर सकता है। एक ये कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना, दूसरा ये कि शुरुआत ही ना करना। खुशी अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते, वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है? अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करो कि इसे दोहराए नहीं। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले ही मारती है। जिसका मन एकाग्र होता है, वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की उपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। जिस तरह से एक तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको ये क्षमता हासिल होगी, जिसे आप बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार से मिटाया जा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा बढ़ा कर मत बताएं, और ना ही दूसरों से इशारे कीजिए। जो दूसरों से इशारे करते हैं उसे मन की शांति नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है, मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। यह सोचना अत्यंत हास्यपद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह हैं और धोखे से भरा हुआ है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है?
वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला हो, क्रोधित ना होने वाला हो और निडर होता है। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। एक मोमबत्ती 1000 मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियां भी बांटने से भी कम नहीं होती। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को भी जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। ना ही स्वर्ग दूतों द्वारा, ना ही राक्षसों द्वारा, ना ही स्वर्ग या नरक में। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें, यही वास्तविक कर्म है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, ये ही सत्य है। असली समस्या ये है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है, परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो ना समझ है वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। अपना उद्धार स्वयं ही करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं, आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती, हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है।
जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वे एक शब्द जो आपकी जिंदगी में शांति लाए। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहें। पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। दर्द निश्चित हैं, दुख वैकल्पिक हैं। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहां पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो भौंकता है, एक व्यक्ति इसलिए अच्छे नहीं समझे जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से ही मौजूद है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवत आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। अनुशासनहीन मन से अधिक बुरा और कुछ नहीं है, और अनुशासन मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है।